नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चिता न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज चक्का जाम है। किसान आंदोलन के पक्ष में आज पूरे भारत में चक्का जाम किया गया है, उसी का हम दृश्य दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं जींद बरवाड़ा रोड पर खड़े हैं, आप इस साइड देख सकते हो, आप बिल्कुल खाली है रोड। ये इसी प्रकार अगले गांव जनपुरा बनारी हर जगह बंद किया गया है। हम फिलहाल खड़क बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहाँ से आप देख सकते हो वहाँ कुछ पुलिस के साथी बैठे हुए हैं, पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं कुर्सी लगाकर, और इस साइड इस प्रकार से चक्का जाम किया गया। इधर ये ग्रामवासी हैं जो खड़क पुनिया के हैं, और पीछे एक बार पीछे दिखाऊंगा, पीछे भी साधन उधर से खड़े हैं, तो इसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? हाँ जी, आपका नाम बताइए पहले। राजवीर जी। राजवीर जी, आप बताइए, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं चक्का जाम करके आप? ये जो तीन काले कानून हैं इनको वापस करो, ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ हैं। इसके लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। पूरी तरह से जाम किया हुआ है या कुछ साधन छोटे मोटे? पूरा जाम है जी, पूरा जाम। हाँ जी, तो आपके कौन है प्रधान? इधर कहाँ? ये शमशेर प्रधान बुलाने को। जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं पूरा गांव के जो हैं। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है? शमशेर। शमशेर सिंह जी, आप पूरी तरह से चक्का जाम किया हुआ है आपके माध्यम से, तो क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बताना तो चाहे तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, चाहे 2024 शादी हो बैठेगा। अच्छा, इस बात हो रहा है, इन काले कानून में ऐसा क्या है जो आपको काला दिखाई दे रहा है? सारा सुधा किसान तो बुरा बात है, इसमें काले कानून लागू है, सारा किसान बुरा बात। ये काले हैं जेड़े सारे, काले कानून है, ये किसानों के खिलाफ है, ना मजदूरों के हित में है, ना किसानों के हित में। ये मोदी सरकार से गुजारिश है, इनको जल्दी से जल्दी ले लें। काफी किसान इसमें शहादत दे चुके हैं, हर रोज दे रहे हैं, और ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करने का कानून है। बात करने का, हाँ, इसलिए बैठे हम अपनी नस्लों को और फसलों को और इनकी अकलों को बचा सके। आप देख नहीं रहे, ये बेवकूफ नहीं है? इतनी महिलाएं और बच्चे इतने दिन से बैठे हैं। गांव खरक पुनिया से हूँ मैं जी। इस सरकार की सबके संबंध में आएगी बात। जैसे आपने देखा होगा 400 रुपए का सिलेंडर दिया कर दे, उस पर सब्सिडी आ कर दी, उसमें भी 400 में भी सब्सिडी आ कर दी। आज 710 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 6 रुपये सब्सिडी बेइज्जती करने खातर दे रहे हैं, 6 रुपये सब्सिडी। और क्षेत्र यहाँ किसान को एक करके लालच दे के कि आपकी अच्छी फसल बा, हम ऑनलाइन अच्छी बिकेगी, आप कहीं भी बेचियो, फिर ये अंडानी रंबानी रीने की फसल होगी, इनकी मर्जी के बहाँगी, ये जो बा हम आपको देवेंगे देंगे, नहीं तो ये गुमराह कर रहे हैं किसान को। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे नहीं जी, जब तक ये 4 साल लागो 5 साल लागो, ये किसान अब उल्टे हटनगे नहीं है। मोदी ने कहने की भाई मैं उल्टा नहीं, मैंने कोई भी कानून उल्टा नहीं लिया, तो आज तक किसान मजदूर। एक बात बताइए, इस मतलब कानून में कोई एक दो बात तो सही होगी? पूरा ये सारा काला है, बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें कोई भी बात सही नहीं। 40 बिंदु खत्म है। एपीएमसी की जो मंडिया है ना, जो छोटू राम ने हमको एक सर्विस प्रोवाइड करी थी, हमारे वहाँ के लिए थी, वो खत्म करने की साजिश है। ये बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी, जब आप बाहर फसलों का रेट दा कोई प्राइवेट एजेंसी खरीद करेगी ना, बिल्कुल उसमें कोई टैक्स नहीं है। एक करदाता एक कर पैन का डाला भी आप फसल खरीद सको हो, तो अंदर कौन बेचेगा, कौन जाएगा वहाँ? ये आप एमपी में बीजेपी की सरकार है, यूपी में वहाँ किसानों से पूछ लो, उनका धान क्या भाव बिका है, एमएसपी में बिका है, ना बाजरा बिका है, ना धान बिका है, ना कोई सी भी फसल एमएसपी पे बिक रही है। के साथ में ये हमारे हरियाणा पंजाब और यूपी की लड़ाई नहीं है, सारे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। देखिए ये आप देख दोगे, जैसे जियो ने बीएसएनएल को खत्म कर दिया धीरे धीरे, आज बीएसएनएल खत्म हो रहा है, इसी तरह किसान को खत्म करने की नीति है जी। हाँ, तो इससे इसमें कोई भी जो ये तीनों कानून है इसमें एक भी लाभदायक कानून नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गुजरात में भी पेप्सिको कंपनी थी जो आलू का उत्पादन करती थी, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई थी, 30 किसानों पर 430 करोड़ रुपया जुर्माना ठोक दिया उस कंपनी ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी वहाँ पे गुजरात में भी। नहीं, एक और है जी, जो कर सरकार ने तो ये है भाई, ये 3-4 आदमी है सरकार के, तो फिर ये 3-4 स्टेट उठ के जो भी जा रहे हैं वो बेकूफ है। हाँ, ये तो कह रहे कुछ किसान है, आप लोगों के कुछ किसान है, सरकार का भी तो मतलब अड़ियल खे अच्छा नहीं है, प्रजा के साथ में इतना अड़ियल खेया एक राजा का अच्छा नहीं है। प्रजा से मिलके विपक्ष वाले बट करे, ये करे तो नहीं, नहीं विपक्ष, ये बकवास, कोई विपक्ष नहीं इसमें, नहीं नहीं सारे आम किसान है, कोई विपक्ष का नहीं है, ना कोई किसान जो नहीं चाह रहा, नहीं सरकार ने क्यों धक्का कर रही है? तो कितने बजे तक का चक्का जाम हो गया? टाइम 12 से 3 सफल रहा है, शांतिपूर्वक रहा, अपने शांति
पुलिस एक बार हमारे जो पुलिस कर्मी उनसे ही बात करेंगे। अब ये खोल दिया गया है, लगभग 3 बज गए ना, तो ये बात करते हैं हमारे साथी करें। हाँ जी, राम 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 राम। तो सर मतलब ठीक ठाक रहे, कोई किसी प्रॉब्लम तो नहीं? चक्कर बहुत शांति प्रिय रहा प्रोग्राम। अच्छा, पूरी तरह से जाम किया गया था, मोटरसाइकिल वाले इमरजेंसी वाले जा सकते थे? इमरजेंसी जाने दिए, एम्बुलेंस वगैरह, बाकी कोई साधन नहीं गया। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सोन सिंह है जी। सोन सिंह ने बताया है कि ये मतलब शांतिपूर्वक रहा, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जो इमरजेंसी वाले थे उनको तो जाने दिया है। आप देख सकते हैं ये खड़क पूर्णिया का है। आओ देखो, अब ये खोल दिया गया है, 3 बज चुके हैं, अब ये खोल दिया गया है। ये पीछे लाइनें लगी हुई थी, ये खोल ये चारों तरफ देखिए एक बार किस प्रकार से गांव के लोग एकत्रित हुए और चक्का जाम किया। इन पूरी तरह से जाम था, जो इमरजेंसी वाले थे उनको निकालने दिया था। आप देख सकते हैं इधर से पीछे से दिखाएं किस प्रकार से लाइनें लगी हुई थी, ट्रक वाले और दूसरे जो प्राइवेट साधन हैं। तो ये इस प्रकार का था कि पूरी तरह से चक्का जाम किया गया था, सभी साधन बंद थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बताया कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। अगली वीडियो फिर मिलते हैं नई रिपोर्ट के साथ। और ख़ास बात रही कि जो इमरजेंसी वाले थे उनको जाने दिया, इमरजेंसी वाले थे उनको जाने दिया है, जाने दिया भैया। तो इमरजेंसी किसी प्रकार की ना हो उसका ध्यान में रखा गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अशोक गुराना, हरियाणा चेतना न्यूज़, खड़कपुरिया। नमस्कार। हरियाणा चेतना न्यूज़ की यह खबर जो आपको पसंद आएगी हो तो हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल ने आप सब्सक्राइब जरूर कर दियो, इस वीडियो ने लाइक करियो और खूब घनी सी शेयर करियो। राम राम।